तो स्टॉक एक्सचेंज के बाहर निकलते ही दो बुजुर्ग मिल गए, मगर तो हैंडसम तो, अरे यार तो एकदम मैंने मेरे जुबान से निकल गया, मैं बहुत माफी, क्या हैंडसम और स्मार्ट आदमी लग रहे हैं आप। कम नहीं, हमारे दोस्त है भाई। नहीं, वो थोड़ा भारी है मगर आप इतना फिट कैसे? बोले साहब क्या बोले, कैसे फिट है पहले राज बताइए आप। बस कुछ नहीं, चना सिंह खाते हैं और क्या। नहीं नहीं सानी, थोड़ा एक्सरसाइज करना और फिटनेस का ध्यान रखते, पूरा चलना रहता है रोज 1-2 किलोमीटर कम से कम वॉकिंग। और आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी 78 की उम्र है, 79 चल रहा है। अरे अब और बात बाद में होगी अंकल, मैं अंकल बोलूं कि क्या बोलूं भैया? बोलूं आप जो भी बोला कर रहे हो। अरे अब ऐसे तो देख, 24 आपसे देखते रहते हैं आपको यार हमेशा। अभी आप किधर थे अभी? नहीं नहीं, अरे मैं उधर था, वो हॉस्पिटल वगैरह दिखाया था आपने, क्या मस्त थी उस बारामती में। अच्छा मस्त, अरे बहुत मस्त है यार, बहुत विकास किया। मैंने बोला बारामती ऐसा हो सकता है? हाँ आप जाके देखिए बारामती तो गजब। में कहीं भी ऐसा क्लीन जगह नहीं देखा, हॉस्पिटल में ऐसी नहीं देखी कभी। अरे आप मुंबई में रहते हैं अंकल? मुंबई का ही। चलिए बहुत शुक्रिया, मुंबई वालों को बारामती मैंने दिखा दिया, समझ में आ गया। बहुत ऐसा लगा कि है अपना कोई एक जगह है जहाँ पर। पहले तो अंकल को अपने कैमरामैन कालीकांत झा से मैं कहता हूँ पूरा इनको दिखाओ और इस देश के लोगों को पता चले कि एक उम्र के बाद। अंकल आपका नाम क्या? लालानी, सदरुद्दीन लालानी। सदरुद्दीन शत्रुद्दीन जो भी है। हाँ, मैं अंकल ही बोलता हूँ। हाँ, ये मैं कहता हूँ कि एक उम्र के बाद आपके पास पैसा कितना है, बिजनेस कितना है, शेयर मार्केट में लगा कितना है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक उम्र के बाद आपकी आपका सारा एसेट आपकी हेल्थ है, और उसमें आप तो कई अरबपति दिखाई दे रहे हैं मुझे, माशाल्लाह। 100 साल तक जिए और ऐसा ही फिट रहे, 79 में अपने आँख से मैंने इतना स्मार्ट खूबसूरत आदमी नहीं देखा। मत बोलो ऐसा, आपको आप ये करोगे दिखाओगे तो किस लोग देखते रहेंगे मुझे। तो आपसे सीख लेंगे ना, खान पान आपका, टहलना घूमना क्या है? बस टहलना, एक्सरसाइज, खाना कम खाना, रात को कम खाना, फ्रूट ज़्यादा खाना, उसे ड्राई फ्रूट वगैरह मॉर्निंग में खाना। पहले आपसे मुलाकात में इतना महाराष्ट्र घूम के आया, मुंबई मुझे बहुत भीड़ भाड़ वाला इलाका लगता है, लेकिन आपसे मिलते ही पहले तो आया था सेंसेक्स का हाल चाल लेने में, तो आपसे मिलते तबीयत खुश हो गई हमारी, और मुझे ये और भी अच्छा लगा कि आप मेरा कार्यक्रम देख। बहरहाल अब मैं डेली देखता हूँ, दोपहर को 1 बजे, कभी 20 को गया तो 1 बजे देखूंगा, नहीं तो रात को 7 बजे। अब आइए मुद्दे पर, बोलिए। जब एग्जिट पोल आया था लोकसभा इलेक्शन का, ये शेयर मार्केट रॉकेट की तरह भागा, जब हरियाणा का आया तो गिरा, आज मुंबई महाराष्ट्र का आया एग्जिट पोल, कोई इस पे असर नहीं, क्या मतलब? कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ये क्या अभी लोगों को मालूम पड़ेगा, एग्जिट पोल की ज़्यादा कोई अहमियत नहीं रही अभी, क्या इम्पोर्टेंस नहीं रहा। नहीं तो इसमें तो हरकत होती होती, मगर नहीं अभी मालूम पड़ा, एक लोकसभा में मालूम पड़ा ना, जो एग्जिट पोल निकला वैसा रिजल्ट आया नहीं। हाँ तो अब समझ गए कि भाई एग्जिट पोल के अंदर कोई ऐसी ज़्यादा अहमियत नहीं है, एग्जिट पोल कई एडजस्टेबल आइटम होती है सोच। हाँ, 6 आदमी को बुला के आपने कर लिया और आपने एवरेज निकाल लिया, सब मैनेज एवरेज कर निकाल लिया आपने और आपने पब्लिश कर दिया। 100 आदमी का लेके आप 1 लाख का करोगे तो कितना, 0.1% हुआ ना। इसका मतलब कि ये एग्जिट पोल की क्रेडिबिलिटी अब खत्म हो गई, खास करके सेंसेक्स से भी पता चल रहा है, लोकसभा के बाद तो बिल्कुल खत्म हो गई। अच्छा तो अब आप देखो ना, अभी 10 का आया, उसमें 6 लोगों ने एक साइड पे दिया, NDA को दिया, 4 लोगों ने इनको दिया, अब सोचो कोई ना कोई तो सही पड़ेगा ही। हाँ जब 10 बात बोलेंगे तो कोई एक सही हो जाएगा, एग्जिट पोल सब गलत हो गए। कितने लोग सड़क पे चलने वाले लोग कहते हैं अरे मैंने तो देखो लिख के दिया था 240, ऐसे मिलते रहे तो 70 रुपये के 100। अच्छा आप मुझे बताइए कि आपका एग्जिट पोल महाराष्ट्र के लिए क्या है? वैसे तो 50-50 दिख रहा है अभी, तो वैसे तो जो हमारे दोस्तों बिरादरों में एरिया में ढूंढता हूँ तो अभी तो 50-50 है, बोल नहीं सकते हम कौन आगे पीछे निकल जाएगा या, मगर हमारे एरिया के अंदर BJP वाला है। आपका आपका कौन सा विधानसभा? अंधेरी में रहता हूँ। अंधेरी में BJP, शहरी इलाकों में BJP अच्छा करेगी, करेगी। और अंकल आपका क्या नाम है? मेरा प्यारेली वीरानी। वीरानी, प्यारेली वीरानी, प्यार अली। यस सर। अरे साथ साथ रहते हो कुछ? 72। अरे 72 इधर 79। हाँ तो 79 बराबर है, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं ना उसके जैसा बनने। वैसे ही मैं रहता हूँ।
आपका क्या विचार है, आपका एग्जिट पोल क्या है वहाँ का? वैसे ही का तो भाई ठाकुर का चल रहा है अभी, जरा जोर में लग रहा है, क्योंकि ये जब से तावड़े का लफड़ा हुआ है, ये विनोद तावड़े पैसा वाला जो लफड़ा हुआ, हाँ, तो ये असर पड़ा उस पर। लेकिन एक बात बताओ, भाई ठाकुर जो है, क्षितिज ठाकुर, हितेन ठाकुर, ये लोग तो समय समय पर बीजेपी को सपोर्ट करते रहे, मदद करते। वो तो जहाँ पर जिसका है ना, जिसकी मतलब जिसका पलड़ा भारी उधर घुस जाते हैं, जो हाँ जो सीटिंग जो आएगा सही वरार पालघर के 3 सीटों पे उनका है, उनका 3 सीट रही है, वो बेटा जीतेगा। एक तो गया ना, एक तो चला गया, दानू वाला था, उसने कैंडिडेट इसमें चला गया बीजेपी में, शिंदे के साथ, हाँ शिंदे के साथ लास्ट मोमेंट, मतलब वो इलेक्शन के दिन ही चला गया, हाँ पलट गया। तो अभी हम लोगों को पॉलिटिशियन लोग के ऊपर भरोसा ही नहीं है, किसी के भी, कोई भी पॉलिटिशियन हो। विनोद तावड़े वाला जो मामला हुआ, उसका कुछ वहाँ के इलेक्शन पे असर अगले दिन पड़ता दिखाई दे रहा है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसका मैनेजमेंट बहुत सही है भाई ठाकुर का, उसके पास इतना मैन पावर है, वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी बहुत कर दिया उन लोगों ने कि देखो इस तरह से हो गया है, पैसा बांट रहे, पैसा बांट रहे सब। वो तो कह रहे थे पैसा नहीं बांट रहे हम मीटिंग के लिए आए थे, वो तो बता रहे कि पैसा कहाँ मिला है। अरे तो पैसा मिला ये दिखना जरूरी है कि मैं बलात्कार करूँ किसी के ऊपर, बाहर तुम खड़े रहते हो तो तुम भी तो मेरे साथ में शामिल हो गए ना, तो ये सब ऐसे ही है। ये जितना भी है ना पॉलिटिशियन लोग का कोई ठिकाना नहीं है। तो पूरे महाराष्ट्र का एग्जिट पोल आपका क्या है? मेरे हिसाब से महाविकास आघाड़ी का चांसेस 60% है, 40% इनका है युति का। आप ये बताइए, मुस्लिम वोट ये MIM महाविकास आघाड़ी बटा की? नहीं उसमें नहीं बटा है, महाविकास आघाड़ी के फेवर में क्या होगा, MIM कोई मतलब ही नहीं है उसको, कोई मुसलमान भी उसको मतलब पसंद नहीं करता है। अरे आपके कहने, हम कितनी जगह जाते कहते हैं हम पसंद नहीं, करते नहीं, वो कैसा होता है, जैसा भी आप कोई मुस्लिम एकदम पूरा स्लम एरिया में जाते हैं तो उधर आपको थोड़ा बहुत मिलेगा, क्योंकि वो उसको क्या पढ़ा लिखा आदमी है ना, मुस्लिम जो रहेगा पहली बात तो आप उसको कोई लेना देना नहीं है। पढ़ा लिखा मुस्लिम बीजेपी की तरफ भी कुछ जाता है? नहीं, बीजेपी का थोड़ा थोड़े लोग जाएंगे, अब थोड़ा सा ज्यादा नहीं होगा, 10% से ज्यादा नहीं होगा। तो पढ़ा लिखा क्यों नहीं जाता बीजेपी की तरफ? बीजेपी का जो बटेंगे कटेंगे ये सब जो चल रहा है ना, इसकी वजह से मार खाता है, कटेंगे बटेंगे नहीं करते है लोग, तो अच्छा फेवर था उसको, बहुत अच्छा फेवर था। लेकिन देखो लोकसभा में भी इन लोगों ने क्या किया, मुस्लिम कैंडिडेट ही नहीं रखा किसी को, इसके पहले के उसमें भी है ना एक भी मुस्लिम, जबकि 19% मुस्लिम से ऑल ओवर कि एक भी कैंडिडेट नहीं दे रहे, तो क्या होता है एक मुस्लिम लोग के अंदर दिमाग में बैठ गया कि ये एंटी मुस्लिम से एक्चुअली, नहीं तो बीजेपी की पॉलिसी अच्छी थी, लेकिन अब भरोसा करने जैसा नहीं, ऐसा हो गया है। चलिए आप लोग रुके, इसका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप ऐसे ही, ये तो आज ही आएगा, ताज़ा माल रहता है यहाँ। हाँ थैंक यू। हाँ सर नमस्कार।